हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक और एक्सपेरिमेंट की वीडियो लेकर। आज का एक्सपेरिमेंट बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आज के एक्सपेरिमेंट में हम आपको सिखाएंगे कि फायरी ब्लैक स्नेक कैसे बनाया जाता है, और ये बड़ा ईजी है बनाना। आपके किचन में यूज़ होने वाले बेसिक जो चीज़ें इंग्रेडिएंट हैं उनसे आप बना सकते हैं, और बड़ा ही ये मज़े का एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे भी कर सकते हैं लेकिन अडल्ट सुपरविज़न के साथ। तो आज के एक्सपेरिमेंट में जो हम चीज़ें मेन यूज़ कर रहे हैं वो हैं जी टनटन है शुगर पाउडर, और इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं बेकिंग सोडा। मैंने ऊपर टैग्स लगा दिए ताकि आपको समझ आ सके। इन दो चीज़ों के साथ साथ हम इनको जलाने के लिए भी कोई चीज़ यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बताता जाऊँगा। और इन्हें मिक्स कैसे करना है, इनका सोल्यूशन या इनका मिक्सचर क्या चीज़ बनानी है, वो मैं आपको आगे साथ साथ बताऊँगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लिए हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए एक बाउल में आपके पास रेत होनी चाहिए। रेत, मिट्टी कुछ भी ले सकते हैं। आग लगाने के लिए कोई फ्यूल होना चाहिए। इसके साथ साथ बेकिंग सोडा होगा हमारे पास और शुगर पाउडर भी है हमारे पास। तो एक बीकर है हमारे पास जिसके अंदर हम शुगर पाउडर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर रहे हैं 1:4। तो बेकिंग सोडा हमारे पास अगर हम 1 टीस्पून लेते हैं तो शुगर पाउडर हमें चाहिए 4 टीस्पून। एक, दो, तीन और ये चार। अभी हम इसे मिक्स करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे हम इसका। कि आपने इस फ्यूल को रेत के ऊपर डाल दें, और ये जो मिक्सचर है आपका इसे आपने मिडल में डाल दें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसे आग लग चुकी है। आग के लगते ही इसके ऊपर छोटे छोटे से ब्लैक स्पॉट्स बनने शुरू। कुछ फ्यूल हम ऐड करते जाते हैं।
ये हमारा ब्लैक ब्लैक है टू फुट है और ये मजबूत बनता ही जा रहा है। Hand of the black stripe. So here they come, fiery black snake. तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। ये ऑलमोस्ट 2 फीट का इसके अंदर से निकल चुका है। सो आज की वीडियो को कैसी लगी आपने देखा, हमने काफ़ी बड़ा फायर स्नेक बनाया ऑलमोस्ट 2 फीट का, लेकिन अभी ये टूट चुका है। ये सिंपल कार्बन है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं, सिंपल कार्बन है जिसे हम राख भी कहते हैं उर्दू में। तो अगर आपको आज का एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन अडल्ट सुपरविज़न के साथ। बच्चे इसे बिल्कुल ना करें क्योंकि इसके अंदर आग का काम है, तो बच्चे ना करें, बड़े कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ सभी एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए। अगेन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल की तमाम वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। शुक्रिया।